मैं तारिक अहमद खान Naukri.com की जानिब से आपको आज मैं बताऊंगा फर्स्ट ईयर बिजनेस के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट ईयर बिजनेस का पेपर पैटर्न क्या होता है, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कौन कौन से चैप्टर्स होते हैं बिजनेस, यानी आप उसको सिलेबस भी कह सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा पेपर। हमारे पास टोटल 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए। सेक्शन ए होता है हमारे पास एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस, ये होता है 10 मार्क्स का। थर्ड क्वेश्चन होता है 15। अब आ जाता है हमारे पास सेक्शन ए। ये होता है हमारे पास शॉर्ट आंसर। ये होता है 35 मार्क्स का। इसमें अटेम्प्ट हमें यानी फाइव क्वेश्चन करने होते हैं। अब होता है हमारे पास सेक्शन ये होता है हमारा डिटेल्ड आंसर क्वेश्चन। ये होता है 15 मार्क्स। इसमें अटेम्प्ट करने होते हैं टोटल क्वेश्चन होते हैं मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे सिलेबस में टोटल चैप्टर जो है वो है 7। अच्छा, अब उसमें 7 चैप्टर कौन से हैं वो मैं आपको अभी बताता हूँ। मेरे पास चैप्टर 1 है, उसमें होता है इंट्रोडक्शन। चैप्टर
बेसिकली एक चैप्टर है, हम इसमें आ जाते हैं सेक्स टॉपिक। जैसे कि इसमें क्या रहता है कि अन्ना पॉज सेक्सी कंप्रेशन परफॉर्म ऑन नंबर एडिक्टिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सेक्टर कनेक्ट कनेक्ट एंड सो ऑन। क्योंकि ये आपको इजीली अवेलेबल है हमारी nordic.com की वेबसाइट पर, जो आप वहाँ से जाके हमारा कंटेंट लेवल डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन बता रहा हूँ। इसके बाद आता है चैप्टर टू, ये होता है रेशियो प्रोपोर्शन एंड अब है हमारे पास चैप्टर वो है बाइनरी नंबर्स। चैप्टर सिक्स है हमारे पास बाइनरी नंबर। चैप्टर सेवन है हमारा मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स। ये था स्टूडेंट हमारा सिलेबस। अब जो हम आगे बढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मैट्रिक्स का सिलेबस। ये पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारा दोनों सेक्शन में आता है, सेक्शन बी में भी आता है और सेक्शन सी में भी आता है। तो मैट्रिसेस पढ़ने के लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।